स्टूडेंट्स इसको कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, बट ऑल आई नीड इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स फ्रॉम यू एंड ट्रस्ट मी पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बाइनोमियल एंड रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच इज अ वे ऑफ वैल्यूइंग ऑप्शंस, बट ये करने के पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब रहना है एंड नोटिफाई करना है बेल आइकन क्लिक करके, सो दैट ऐसे और बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहे। अगर आप लोग ने SCPM का भी देखा होगा तो ये श्योर शॉट में से अप्रोक्सीमेटली 50-60 मार्क्स वॉज कवर्ड इन योर एग्जामिनेशन। इन द सेम वे यहाँ पे भी वही होने वाला है, मैं श्योर शॉट का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ फॉर AFM एंड इफ यू डू इट प्रॉपरली फॉर श्योर अप्रोक्सीमेटली 30-35 मार्क्स इसमें से भी आएगा इन योर मीन जो है 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है प्लस इन योर 30 मार्क्स MCQs एज वेल। सो डेफिनेटली अपने को अच्छी तरह से करना है, ये मैं करवाने वाला हूँ मेरे मैजिक बुक से। सो डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोगों के पास मैजिक बुक होगा, इफ नॉट प्लीज एंश्योर दैट यू हैव इट बिकॉज एग्जाम डे के रिवीजन के लिए दैट इज वन बुक दैट फॉर श्योर यू वांट इट। तो मैं उसमें मेरा जो डेरिवेटिव्स है उसका डेक ओपन कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लेवल दैट वी आर गोइंग टू टेक थिंग्स एट। सो ये रहा मेरा डेरिवेटिव्स का पूरा चैप्टर, अभी अगर आप लोग नोट करेंगे सो इसमें थ्योरी है पूरा, एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, एक एक कॉन्सेप्ट है भाई, ऑप्शंस क्या होता है, यू नो ऑप्शंस का प्राइसिंग कैसे होता है, टर्मिनोलॉजीज क्या है ऑप्शन से रिलेटेड, इन द मनी आउट ऑफ द मनी एवरीथिंग। सो इफ यू डोंट हैव माय पर्सनल सजेशन इज यू शुड हैव एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, इफ नॉट ये मैं नोट्स जो है ये बाइनोमियल का जहां से मैं ये पढ़ाने वाला हूं वो मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है या फिर कमेंट बॉक्स पे पिन किया हुआ है, वहां से भी आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, स्टे कनेक्टेड, टेलीग्राम पे फ्री MCQs चालू है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, 30 मार्क्स तो अपने को फॉर श्योर अच्छा करना ही है एंड ये एक सब्जेक्ट है जहां से अपन पूरा का पूरा CA का डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं विद गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। सो स्टे सब्सक्राइब, स्टार्ट करते हैं अपन लोग ये बाइनोमियल वाले कॉन्सेप्ट के साथ एंड आई होप यू एंजॉय इट। थर्ड, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बाइनोमियल एग्जाम में आने का फुल चांसेस है, इसका मतलब पहले समझो, बाय का मतलब होता है टू, मतलब दो तरह से एक अपसाइड एक डाउनसाइड दोनों को कंसिडर करके जब उनके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी का मिश्रण किया जाता है आपको मिलता है बाइनोमियल मेथड ऑफ वैल्यूइंग एन ऑप्शन। जी हाँ, तो देखो एक ऑप्शन है, मैंने लिया 110 के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन, अब मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी होगा नीचे जाने का एक प्रोबेबिलिटी होगा, जब ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी प्लस नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दोनों को अपन लोग कंबाइन करते हैं तो लॉजिकली बनता है आपका बाइनोमियल ऑप्शन। अब इसको फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको बाइनोमियल सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले बोलोगे बाय, बाय मतलब टू, टू वे से जब प्रोबेबिलिटी एड होता है तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कैसे करोगे बाइनोमियल, सो बाय ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दोनों को एड कर दो मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज पर बाइनोमियल मेथड। As I said, उसका फॉर्मुला है, उसके पहले कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। अब सबसे पहले है S, which is the spot price, जो अभी मार्केट में चल रहा है, फिर आता है मेरा एक्सरसाइज प्राइस जिसपे मैंने प्राइस को फ्रीज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, राइट। सो मुझे लग रहा है कि प्राइस अप जाएगा बट इसका जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आराम से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय P, नीचे भी जा सकता है उसके नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय 1-P। जो प्राइस ऊपर पे होगा दैट इज कॉल्ड एज US, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल, ऊपर जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज US, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल, एंड इसके नीचे जाने का जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड एज DS, कि भाई नीचे कितना जा सकता है। तो सर ये US DS क्यों, खाली U या खाली D क्यों नहीं, सब बताएंगे आपको। US क्या है कि भाई कितना ऊपर जा सकता है, तो मैंने 110 पे फ्रीज किया था, मुझे लग रहा है 150 तक जाएगा, तो 150 क्या हुआ US, हो सकता है कि सर 80 पे भी चले जाए, 80 क्या हुआ DS, अपर स्ट्राइक ऑफ स्टॉक पॉसिबल, अपर प्राइस एंड डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल। फिर बाद में आ जाता है D, मतलब कितना वेरिएशन है, अगर मैंने सोचा था 110 ठीक है का मेरा स्ट्राइक प्राइस है एंड 150 तक जा सकता है तो अप्रोक्सीमेटली कैन आई से 30% इंक्रीज हुआ अप्रोक्सीमेटली ऐसे, एंड अगर नीचे 80 तक जा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 25% तक नीचे गया। सो ये जो परसेंटेज है ना, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, दैट इज बेसिकली योर डी एंड योर यू, गॉट इट गाइस, कितना परसेंटेज से ऊपर गया जाने का चांसेस है, कितना परसेंटेज से नीचे जाने का चांसेस है, गॉट इट। सो अगर ये से फॉर एग्जाम्पल 30% ऊपर गया, 100 का स्ट्राइक प्राइस है, 30% ऊपर जाने का चांसेस है तो डी हो गया 30%, एंड ऊपर जाने का चांसेस है तो डी हो गया 30%, एंड नीचे जाने का चांसेस है 40% तो
यू हो जाएगा 30% एंड नीचे जाने का चांसेस है 40%, तो डी हो जाएगा 40%। अभी अंडरस्टैंडिंग समझना, पी और डी, पी और यू और वन माइनस पी और डी अलग अलग है। यू क्या होता है कि कितने टाइम्स ऊपर जा सकता है, वो कितने टाइम्स ऊपर जा सकता है उसके जाने का प्रोबेबिलिटी इज पी। 3 टाइम्स ऊपर जा सकता है वो जाने का प्रोबेबिलिटी 30%, समझे? 30% ऊपर जा सकता है वो, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 50%। समझ में आया? डन। और फिर बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज सी यू, वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल। अगर ये 110 पे फ्रीज था और मेरा प्राइस हो गया 150, सो कैन आई से 40 रुपीज का मेरे को फायदा हो गया वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल। एंड अगर नीचे चले गया देन इन दैट केस जितना भी नीचे गया वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल। आर इज रिस्क फ्री रेट पर एनम, प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम इसको यूज करते हैं गाइस। प्रेजेंट वैल्यू को मैंने मस्त में मेरे एडवांस कैपिटल बजेटिंग के रिवीजन लेक्चर में कराया, वो जरूर देखना। एंड टी इज द टाइम पीरियड, ये जो पूरा का पूरा ऑप्शन अपन एंटर कर रहे हैं वो क्या ड्यूरेशन के लिए एंटर कर रहे हैं, विल बी डिनोटेड बाय टी व्हिच इज द टाइम पीरियड। अब क्यों ना ये सबको एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, क्या बोलता है पब्लिक, तो और अपने को क्लैरिटी आ जाएगा। सबसे पहले तो से स्पॉट एक्सरसाइज प्राइस अपन लोग ले लेते हैं सेम ही, से इसको अपन लोग ले लेते हैं 50, ठीक है। अब ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट लेट्स अज्यूम दैट टू बी 75। तो क्या मेरे को समझ में आ गया? देखो स्पॉट प्राइस हो गया, एक्सरसाइज प्राइस हो गया, कितना जा सकता है ऊपर, 75 तक जा सकता है। तो 75 क्या हुआ? करेक्ट, 75 हुआ मेरा यूएस। नीचे कितना जा सकता है सर? 40 जा सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। 50 का मेरा इधर स्ट्राइक प्राइस है, 40 जा सकता है, तो ये हुआ मेरा डीएस, राइट। अब डी क्या होगा? देखो 50 से 75 गया है तो कैन आई से 50% इंक्रीज है यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज 1.5 टाइम्स। अब इसको मेरे को अगर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना है तो मैं लिख दूंगा 75 के 75 तक पहुंच गया अपॉन 50। तो 75 डिवाइड बाय 50 करता हूं तो मेरे को यू मिल जाता है 1.5 एंड डी है मेरा 40, तो 40 बाय 50 करूंगा तो मेरे को डी मिल जाएगा 0.8। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो मेरा डी भी आ गया और मेरा यू भी आ गया। आर जो रिस्क फ्री रेट है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो चलो अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में 8% दिया हुआ है टाइम पीरियड से, ये पूरा का पूरा मैं कर रहा हूँ 3 मंथ्स के लिए। सो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो मेरा आर भी हो गया, टी भी हो गया। प्रोबेबिलिटी, चांसेस आर कि वो लोग प्रोबेबिलिटी दे दे, अगर वो लोग प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, आप टेंशन मत लेना, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दूंगा, बट मोस्टली दिस विल बी गिवन। तो से फॉर एग्जांपल अपने केस में ये होने का प्रोबेबिलिटी है 60%, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी एंड नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है से 40%। ओके सर, डन। सो ये मेरे को प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है। अब आते हैं सी यू, विच इज वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल। अपर लेवल पे कितना हो रहा है, कितना जा रहा है सर? 75 तक जा रहा है एंड लोअर लेवल पे सर 40 तक जा रहा है मेरा। सो अब सी यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल, ध्यान से समझना। कैन आई से 50 का 75 अगर हो गया तो मुझे 25 रुपए का फायदा हो जाएगा, वो होने का प्रोबेबिलिटी है इनटू 0.6 प्लस, अगर ये 50 से 40 हो गया देन इन दैट केस मुझे लॉस हो जाएगा, लॉस होगा उसका होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4। भाई देखा 0.6, ये तो 1 माइनस 0.6 तो 0.4 हुआ ना, 1 माइनस पी, अब लॉस हुआ तो मैं उसको एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, तो ये हो गया मेरा 0। तो बेसिकली ये होता है 25 होता है सी यू एंड मेरा जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे है सी डी, वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल 0, एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल ऊपर गया उसका चांसेस क्या है 25, उसका चांसेस क्या है 25। विद दिस मेरे छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको सारे टर्म्स भी बता दिए गाइस एंड एट द सेम टाइम बाइनोमियल मॉडल एक एग्जांपल के थ्रू ड्रॉ भी कर दिया है। चलो आओ अब अपने को इसको क्या करना है, देखो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पार्ट आपको बनाना है, ड्रॉ करना है एक बाइनोमियल टेबल। कैसे ड्रॉ करोगे? आपको बेसिकली क्वेश्चन में ढूंढना है ये सारे डिनोशंस, स्पॉट प्राइस दिया होगा, एक्सरसाइज प्राइस दिया होगा, फिर बाद में वो लोग आपको डी एस यू एस देंगे जिससे आप डी और यू भी कैलकुलेट कर पाओगे। पी और वन माइनस पी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वी कैन कैलकुलेट, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सी डी एंड सी यू अगेन यू कैन कैलकुलेट, टी दिया होगा, आर दिया होगा एंड दैट्स हाउ यू विल मेक द होल बाइनोमियल मॉडल का एक ट्री आप यहाँ पे बना देंगे। समझ गए? यस सर। उसके बाद में आ जाते हैं अपन लोग सेकंड स्टेप के ऊपर, विच इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जैसा मैंने आपको बोला कि चांसेस आर के प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट खुद से करना पड़े, तो अगर खुद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये आपका फॉर्मूला यूज करना है क्या, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। ऑब्वियसली डिवीजन सेशन में मैं इसके डेरिवेशंस पे फिलहाल नहीं जाऊंगा, बट दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट। अब आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। डी क्या होता है? डी एस अपॉन एस।
ठीक है ना, कितने टाइम्स से गिरने का प्रॉब्लम चांसेस है उसका, कितने टाइम्स गिरेगा वो, कितने टाइम्स ऊपर जाएगा, इज माय यू आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, राइट। रेगुलर बैच में इफ यू हैव सीन, अपन लोग ने इसको मालूम है पूरा एक वो मैथमेटिकल इक्वेशन करके डिराइव किया था। एनीवेज फॉर नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, एंड जो बच गया 1 माइनस पी विल बिकम माय प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड। गॉट इट गाइस, डन। इंस्टीट्यूट जैसा क्वेश्चन में रहेगा, आर कभी कभी वो ई रेस टू आर टी के फॉर्म में देगा, कभी कभी वो 1 + r⁴ t के फॉर्म में देगा, जो भी अपने को यूज करना है। एंड फाइनली जब अपन लोग ने ये प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लिया है, ऊपर अपन लोग ने बाइनोमियल ट्री भी बना लिया है, जिस जो भी नंबर्स है उस हिसाब से, अब वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल, सी यू वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल। इफ कॉल इज नॉट एक्सरसाइजेबल, विच इज सी डी में वही होगा, इट इज आउट ऑफ मनी, देन टेक सी डी एज जीरो। एंड अब फॉर्मूला अप्लाई करने का टाइम आ गया है, वैल्यू ऑफ कॉल इज इक्वल टू सी यू इन टू पी। 25 का फायदा हो रहा था, देखो मेरे वाले एग्जांपल में ये 25 का फायदा होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 60% 0.6 प्लस CD 1 माइनस P अपॉन R, एंड हियर वी आर विद द वैल्यू ऑफ कॉल CO। हे समझी गुडू एवरीबॉडी, आर वी क्लियर? यस सर वी आर क्लियर। एग्जाम्पल अगर वापस से और लेना है तो अपन लोग यहाँ पे देखो ले सकते हैं, एक मस्त साथ में बाइनोमियल ट्री बनाते हैं, आप लोग भी अपना बुक ओपन कर लो, ओपन ही होगा, सो फटाफट बना लो मेरे साथ। स्पॉट प्राइस दिया है 500, हमने यहाँ पे लिख दिया। एक्सरसाइज प्राइस दिया है 510 लिख दिया। ड्यूरेशन 1 ईयर विच इज नथिंग बट 12 मंथ्स। आरओआई 10% दिया है। अब देखो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन मैच्योरिटी 600, मतलब ऊपर जाने का चांसेस है 600 का, तो 500 से 600 गया तो कहना इसे 1.2 टाइम्स का मेरा यू आ गया, प्राइस ध्यान में रखना। एंड दूसरा अगर मेरा 400 गया तो 0.8 टाइम्स 0.8 मेरा डी आ गया। अब वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल, सो 510 का एक्सरसाइज प्राइस है, 600 पे गया तो 90 का सीयू, नीचे गया 510 से तो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, सीडी विल बिकम जीरो। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। आर है मेरे पास 1.1 माइनस डी 0.8, ऊपर अपन लोग ने कैलकुलेट किया 1.2 का यू है, 0.8 का डी है, आई विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड एंड दैट इज 0.75। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड मेरा आ जाएगा 0.25। समझ गए? यस सर। वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल and value of call at down level is now what we have. So 90 ka mera CU hai into 0.75 ka probability upon R 1.1, and that is how we will get the value of call. Hey, samjhi gudu, are we clear everybody? So 90 into 0.75 plus 0 into 0.25 upon percent value pe usko khich lo, to ye aa jayega 1.1. राइट देखो ये जो आर दिया है ना वो प्रेजेंट वैल्यू पे खींचने के लिए, क्योंकि ये 3 महीने बाद का होगा, ये 1 साल के बाद का होगा, सॉरी 1 साल का ड्यूरेशन है ना, तो ये जो आपका आर है ना ये आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आता है। ये जो अभी आपका वैल्यू ऑफ कॉल आ रहा है वो तो 1 साल के बाद का वैल्यू ऑफ कॉल आएगा आपको, बट अपने को तो अभी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड बाय 1.1 किया तो अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल आ गया 61.36। ऑल द नंबर्स लॉजिकली पुट अप विद ईच एंड एवरी अंडरस्टैंडिंग। अब बाइनोमियल मॉडल में अपने को डरने की जरूरत है ही नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं छोड़ के जाएगा, प्रॉपरली अपन लोग इसको करके जाएंगे। सो ये होता है मेरा बाइनोमियल मॉडल फॉर्मूला, बहुत ही। सो अभी क्या स्टेप्स है, सबसे पहले बाइनोमियल मॉडल का जो ट्री है, डिसीजन ट्री जैसा, बाइनोमियल मॉडल का ट्री है वो अपने को बनाना है बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, प्रोबेबिलिटी मिल गया, उसके बाद 1 माइनस पी से डाउन का प्रोबेबिलिटी आ गया, फिर सी यू आर सी डी फाइंड करना है, सी यू आर सी डी फाइंड कर दिया, फिर बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज सी यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस सी डी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अपॉन आर, एंड अपने को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ कॉल। गॉट इट? डन। बस इसी में एक ये था जो इसको बोलते हैं 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। 2 पीरियड बाइनोमियल इज सेम एज द बाइनोमियल मेथड, बस यहां पे एक के जगह पे आपको दिख रहे होंगे ऐसे 2 ट्रीज, दैट्स इट, उसके अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है 2 पीरियड बाइनोमियल और 1 पीरियड बाइनोमियल में। चलो अब सो इन द 2 पीरियड बाइनोमियल वी डिवाइड द टोटल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स and we calculate the value of each option for each node. तो ये node है, ये इधर है, तो देखो अभी अपने को क्या करना है पता है क्या, इसमें question दिया है आपको और बोला है year 1 up 20% down 20%, year 2 में भी up 20% down 20%, तो अपने पास से exercise price है 50, यहाँ से अपन लोग 60 पे आ गए, यहाँ से अपन लोग 72 पे आ गए। can I say अगर अपने पास ये 60 है ये 50 है, can I say मेरे को U मिल गया, यहाँ पे भी U 1.2 होगा, यहाँ पे D होगा 0.8, करेक्ट, यहाँ पे D होगा करके 0.8, 1.2, 0.8 एंड यहाँ पे 0.8, तो मेरे को D मिल गया, DS मिल गया, U मिल गया, US मिल गया, एक्सरसाइज प्राइस है, स्पॉट है मेरे पास, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। R मेरे पास 6% है सो उसका टेंशन नहीं है, सो दैट इज हाउ आई विल फर्स्ट ड्रॉ दिस होल बाइनोमियल ट्री, फर्स्ट आई विल ड्रॉ दिस होल बाइनोमियल ट्री। अब एक ही चीज मिसिंग लग रही है, क्या? प्रोबेबिलिटी मिसिंग लगी, बाकी तो देखो ना यहाँ की जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मेरे पास आ गई है यार, बट जो प्रोबेबिलिटी मिसिंग है उसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, क्या? आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। आर है मेरे पास, डी है मेरे पास, यू है मेरे पास,
आर है मेरे पास, डी है मेरे पास, यू है मेरे पास, डी है मेरे पास, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एंड वन माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, 0.65 एंड वन माइनस 0.65 इक्वल टू 0.35. आई होप वी आर क्लियर. सो फर्स्ट दो स्टेप्स एज इट इज है, वेदर इट इज वन पीरियड बाइनोमियल और टू पीरियड बाइनोमियल. बस अब अपने को यहाँ पे देखना होता है कि दोनों का कंपेरिजन करना है कि भाई मैं एक पीरियड में मेरे को कितना फायदा हो रहा है, कि भाई कितना वैल्यू मिल रहा है, और सेकंड पीरियड में मेरे को कितना फायदा हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पीरियड को देखता हूं तो 50 रुपए का 60 रुपया हो गया, तो 10 रुपए का मेरे को फायदा हुआ, और दूसरा दूसरा यहाँ पे 50 का 40 हो गया, तो ये तो मेरे को फायदा हुआ ही नहीं. तो अगर फायदा हुआ ही नहीं तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं. तो फर्स्ट पीरियड में कहना है मेरे को 10 रुपए का फायदा हुआ, समझे क्या? अब दूसरे के ऊपर आते हैं, सेकंड ईयर. सेकंड ईयर में देखो मेरे को कितना फायदा हो रहा है, कहना इसे 50 से 72 पे पहुंच गया. अब अगर 50 से 72 पे पहुंच गया, दैट मींस 22 रुपीज का मेरा सीयू है, करेक्ट. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 22. मेरा प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.65, तो इनटू 0.65 प्लस 0.35 इनटू 0 ही आएगा, क्योंकि वो मैं एक्सरसाइज ही नहीं करने वाला हूं. तो मेरा आ गया 14.3. एंड इसको मैं क्या कर दूंगा, ये जो ईयर टू है इसको मैं इस लेवल पे ले आऊंगा, ताकि ये मेरा 10 के साथ कंपेरेबल हो जाए. तो जब मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू टू ब्रिंग इट एट ईयर वन पीरियड वन कंपेरिजन, तो ये आ जाएगा 1.06. सो अब मेरे को बताओ 10 एंड 13.49 कौन सा मेरे लिए बेटर है. सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज बेटर इफ आई गो एट विद द पीरियड टू. सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये कैलकुलेशन. बस अब एक बार मैंने ये चूज कर लिया कि भाई आई एम गोइंग एट विद पीरियड टू बिकॉज उसमें मुझे ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है, फिर मैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट कर लूंगा. सो 13.49 अगेन ये ईयर वन का है, अब मेरे को इसको ईयर जीरो पे लेकर आना है, तो इनटू 0.65 प्लस 0 इनटू 0.35 डिवाइड बाय वापस 1.06, ये फाइनली मेरा आ जाएगा रियल वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑफ टुडेज डेट. समझ में आ गया एवरीबॉडी? तो अब अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई तुम्हारे को क्या ये कैलकुलेशन आता है बाइनोमियल का, योर आंसर इज यस. यू विल से एस आता है, उधर से यूएस होता है, इधर से डीएस होता है. जब मैं यू कैलकुलेट करना है तो यूएस अपॉन एस करता हूं, जब मुझे डी कैलकुलेट करना है तो डीएस अपॉन एस करता हूं. यहां पे मेरे को प्रोबेबिलिटी और वन माइनस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है यू माइनस डी अपॉन आर माइनस डी. वाओ, और क्या चाहिए. अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को और यहां से आगे जाना है टू पीरियड बाइनोमियल में, तो सेम मैं यहां का यूएस निकालूंगा, सेम मैं यहां का डीएस कैलकुलेट करूंगा. वंस आई हैव डन दैट, फिर मैं इधर देख लूंगा, कंपेयर करूंगा ईयर वन के साथ, इन दोनों में जो भी हायर है उसको चूज करूंगा. अब ऑलरेडी मैं यहां तक अगर आ चुका हूं, वापस से उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आई विल ब्रिंग इट एट दिस प्रेजेंट वैल्यू बाय डिवाइडिंग इट बाय आर, एंड दैट विल बिकम माय वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉल ऑप्शन, अगर मेरे को टू पीरियड बाइनोमियल दिया हो तो. और अगर सिंगल पीरियड बाइनोमियल है देन इन दैट केस, तो यहां पे ही मेरा पूरा का पूरा गेम हो जाएगा. एंड दैट्स इट. अब कितना इजी लग रहा है कि नहीं? अब इसी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज रिस्क न्यूट्रल मेथड. इससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है. तो अगर आप लोग ICAI का नवंबर 23 का SFM का पेपर देखोगे, तो उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली बाइनोमियल मेथड और वो सब यूज करो, और उन्होंने बोला है रिस्क न्यूट्रल मेथड से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो. तो अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई रिस्क न्यूट्रल मेथड से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल यूज दिस फॉर्मुला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. एक तो अपना जो है ही आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, बट अगर वो बोल रहा है रिस्क न्यूट्रल मेथड से करो, देन इन दैट केस वी कैन यूज दिस मेथड आल्सो, नो प्रॉब्लम. एंड दैट इज स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू, अगेन इसका फॉर्मुला डेरिवेशन मैंने मेरे लेक्चर में किया हुआ है, बट अभी तो रिवीजन है, सो वी वोंट बी एबल टू गेट टू मच इनटू डेप्थ. बट फिर भी स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड अपर लेवल शेयर प्राइस. अपने एग्जांपल में कैन आई से, अगर यहां पे मैंने बोला था कि भाई 50 है, ये 50 का 75 हो सकता है, 50 का 40 हो सकता है, एक्सपेक्टेड अपर लेवल प्राइस, एक्सपेक्टेड अपर लेवल शेयर प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी से 0.65 प्लस एक्सपेक्टेड डाउन लेवल शेयर प्राइस इंटू वन माइनस पी अपॉन आर, आर क्यू प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आने के लिए. अब एक छोटा सा सम सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 420, स्पॉट प्राइस हो गया ये मेरा, ये इधर आ गया मेरा 420 इज इक्वल टू इधर पीरियड ऑफ 3 months, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड एट 500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली. अपर प्राइस 500, लोअर प्राइस 400. इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, ध्यान रखना ये पर एनम है, बट अगर आप लोग क्वेश्चन को नोट करोगे, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉर अ 3 month कॉल ऑप्शन, सो 8 × 3/12 जब आप करते हो तो आपको मिल जाता है 2%, राइट. सो आपका आर आ जाएगा 2%. कैलकुलेट द कॉल ऑप्शन अंडर रिस्क न्यूट्रल मेथड एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹450 गिवन e रेज टू 0.02 इज इक्वल टू 1.0202. मैंने बोला था ना आर
कभी कभी वो लोग वन प्लस आर करके लेंगे, या फिर इट विल वन प्लस आर रेस टू टी, और इट विल बी ई रेस टू आर टी. इन दिस केस इट इज ई रेस टू आर टी. सो ई रेस टू आर विच इज 8% इंटू 3/12. सो ये हो जाता है ई रेस टू 0.02. ये हो जाता है ई रेस टू 0.02. Got it, guys? So, ये e raise to 0.02 का value question में दिया हुआ है, they will give you. नहीं भी दिया हो तो अपने को calculate करना आता है, next slide में वो भी आपको बता दूंगा. तो ये आ जाता है 1.0202. Done. बस अब इसको solve करना है. My solution. So 500 है मेरा first case में, and second case में है मेरा 400. And अब इसको सॉल्व करते हैं. चलो आ जाओ. सो देखो स्पॉट प्राइस कितना है सर, 420. इस फॉर्मूला के हिसाब से चलते जाओ तो 420 इज इक्वल टू राइट राइट सर. क्या एक्सपेक्टेड अपर लेवल शेयर का प्राइस सर 500 इनटू पी, प्लस सर डाउन लेवल का प्राइस सर 400. तो 400 वन माइनस पी अपॉन सर ई रेस टू 0.02 दिया हुआ है सर 1.0202. बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ये 420 इंटू 1.0202 एंड दिस इज 4. इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा 428.484 इज इक्वल टू 500 पी प्लस 400 माइनस 400 पी. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. बस अब ये जाएगा यहाँ पे. सो 28.484 इज इक्वल टू 100 पी. मुझे मिल जाएगा पी इज इक्वल टू 28.484 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू. सो 28.484 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.284, दैट इज 28.4%. जरा देखो तो आपका पी कितना आया है. सर हमारा भी पी आया है 28.4%. जो बाकी का बच गया दैट इज 1 माइनस पी. बट एनी केस वो एक्सरसाइज होने नहीं वाला है तो 1 माइनस पी अपने को चाहिए भी नहीं. तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अब आपका देखो कितना आ जाएगा. यर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी सी यू. सो द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी सी यू. तो अपर लेवल पे अपने को कितना फायदा हो रहा है. सो कैन आई से 500 रुपीज का मेरा यहाँ पे 500 का मेरा यहाँ पे अपसाइड है. एक्सरसाइज प्राइस है 450 का, तो 50 का फायदा ये होने का चांसेस है 0.2848. प्लस जो दूसरा ऑप्शन है वो तो मेरा मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा तो वो जीरो हो गया. डिवाइड बाय 1.0202 व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड मुझे मिल जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड दैट इज 13.96. बट ये मैंने कैलकुलेट किया यूजिंग रिस्क न्यूट्रल अप्रोच. आर वी क्लियर? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच. सो ये अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज भी ये यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट विद दिस वी कंप्लीट जी हाँ द बाइनोमियल मेथड, सिंगल पीरियड बाइनोमियल, टू पीरियड बाइनोमियल, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग डन विद प्रॉपर एग्जांपल्स. आई होप सब चीजें समझ में आ गई होगी. बस अभी अगर वापस कभी इसको आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू दीज थिंग्स एंड सब चीजें दिमाग में सेट है पूरी तरह से. ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे. ऑलराइट, आपको और स्पेसिफिक कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा ये सेशन. डू लेट मी नो. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग. पोर्टफोलियो, फॉरेक्स, ऐसे सारे चैप्टर्स का मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं जो हर एक कॉन्सेप्ट को उठा के, विच विल बी वेरी यूजफुल इन द एग्जामिनेशन. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. चाय पीते हो जाओ, देखते जाओ, ऐसा कोई टाइम पकड़ो जहां पे आप लोग के 20 मिनट्स वेस्ट हो रहे हो, उससे अच्छा ये यूटिलाइज हो जाए. दैट्स व्हाट आई वांट. कीप स्माइलिंग.